आप 80s तक में जो आप ये जो बंदर रोड की वो बेम्बी प्रिंस और कपरी वाली फुटपाथ थी, बहुत चौड़ी फुटपाथ होती, उसके ऊपर एक इतनी बड़ी से 8 या 10 इंच डाया की एक प्लेट लगी होती थी, एक सरिये के साथ वो फुटपाथ में खुबी हुई होती थी, उसके ऊपर लिखा होता था SS-10, दैट मीन्ट ए सब सॉइल वेल 10 फीट। वो कम्युनिटी वेल्स थे और वो ही वेल्स इस्तेमाल होते थे, आपने सुना होगा कि कराची की सड़कें रातों को धुला करते थे, तो वो पंप लाके उसमें डाला जाता था और उससे बंदर रोड धुलती थी, वो डमलोटी कंड्यूट के पानी से नहीं धुलती थी। कराची के तमाम फ्लैटों में 70s तक जो ये जो आपके खारादर मीठादर बंस रोड के थे, इनमें ड्यूल प्लम्बिंग हुई हुई थी, एक में ग्रे वाटर आता था, एक में क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग आता था, वो ड्रिंकिंग वाटर आता था डमलोटी कंड्यूट का, और ग्रे वाटर घर धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और यू नो फ्लश के लिए, इसके लिए वो इस्तेमाल होता था। तो वी वर वर वेरी सेम सिटी, कराची के हर स्ट्रीट पोल के ऊपर उसका एक नंबर पड़ा होता था वाइट कलर से, जो है आप जो स्ट्रीट लाइट की जो पोल होती थी उसके ऊपर वो लिखा होता था। हमने क्या किया, हमने वो जो स्ट्रीट पोल का जो नंबर था वो क्यों होता था, वो इसलिए होता था कि बाकायदा सेंसस होता था हर 3 महीने बाद कि किस गली में कहाँ पर स्ट्रीट लाइट का जो बल्ब है फ्यूज हो गया, किस कौन सा चौक उड़ गया, ठीक है। तो वो बाकायदा एक सर्वे के बाद रिपोर्ट बनती थी, उस हिसाब से बल्ब और चौक खरीदे जाते थे, वो स्टोर के थ्रू सप्लाई होते थे उन जोन्स को। हमने क्या किया, हमने MQM के झंडे उसको पेंट कर दिए। अब किसी को नहीं मालूम कि कराची में कितनी स्ट्रीट लाइट के पोल हैं। उसने XCN ने कहा मुझे 2000 बल्ब चाहिए, मुझे 750 चौक्स चाहिए, खरीदो भाई दे दो, प्रूफ तो कोई है नहीं, कोई सर्वे तो है नहीं। वी आर द वंस हु हैव डिस्ट्रॉयड द वेरी फैब्रिक ऑफ अवर सिटी, जो सोशल फैब्रिक था हमने इस तरह से डिस्ट्रॉय किया।